पक्ष का। दोस्तों सब जानते हैं रावण की नाभि में अमृत था। रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रावण की नाभि में अमृत कहाँ से और कैसे आया। दोस्तों जब बाली और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय रावण बहुत भयंकर रूप से घायल हो गया था। इसके कारण वो मृत्युशैया पर पड़ा था। अब मंदोदरी रावण की पत्नी थी, उन्होंने वचन लिया कि मैं रावण को हर कीमत पर बचाऊंगी और इसको अमर कर दूंगी। मंदोदरी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप की सहायता ली। माँ बाप के पास जाकर उन्होंने सारी व्यथा सुनाई और उन्होंने मंदोदरी को हाँ कह दिया। मंदोदरी की माँ बहुत बड़ी देवी थी, बहुत सारी शक्तियां उसके पास थी। मंदोदरी की माँ ने सारी शक्ति अपनी बेटी मंदोदरी को दे दी और स्वयं स्वर्ग लोक से जो अमृत सुरक्षित रखा था उसको चुराने के लिए पहुंच गई। वहां पर चंद्रदेव को उसकी सारी बातों का पता चल गया कि कोई भी मनुष्य, कोई भी दानव, कोई भी देव इस जगह नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पर इतनी विषैली गैसें हैं, नीचे आग जल रही है, चारों तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, वायुमार्ग से कोई साधारण व्यक्ति आ नहीं सकता। अब वो मंदोदरी की चाल समझ गए, लेकिन भगवान की लीला देखिए, एक बार महा में चंद्रदेव उस कलश को उठाकर मृत्यु लोक पर कुछ बूंदों का छिड़काव करते हैं ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, मनुष्य जाति को अमृत मिल सके। और ऐसा वो पूर्णिमा के दिन करते थे और उस दिन पूर्णिमा की रात थी। अब चंद्रदेव ने जब वो अमृत का कलश स्वर्ग से निकाला तो मंदोदरी को अच्छा मौका मिल गया। मंदोदरी उस कलश को लेकर वहां से भाग निकली और जब सारे देवताओं को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मंदोदरी का पीछा करना शुरू कर दिया। तब मंदोदरी ने उन देवताओं से बचने के लिए उस कलश में से थोड़ी सी कुछ बूंदें अपने हाथ में ले ली और उस कलश को वहीं फेंक दिया और उन बूंदों को लेकर विवक्षण की सहायता से रावण की नाभि में वो अमृत उन्होंने प्रवेश करा दिया। क्योंकि विवक्षण उस समय का एकमात्र वैस्कुलर सर्जन था, उसके इसी गुण के कारण रावण की नाभि में अमृत स्थापित हो सका था। लेकिन विवक्षण ने मंदोदरी से वचन लिया था कि उन दोनों के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और इस तरह रावण की नाभि में अमृत पहुंचा और रावण हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। बाकी रामायण आप सब जानते हैं कि रावण का किस तरह वध हुआ और समाज का कल्याण किस तरह हुआ, भगवान राम के हाथों से उस रावण का वध हुआ था, ये बात बाकी सब आप जानते हैं। जो एक ऐसा प्रसंग था जो आपके लिए नया हो सकता था, मैंने सुनाने की कोशिश की है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।